वरिष्ठ सेवकी राजीव रंजन का आप रुख करूंगी तो राजीव ये लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये कहें जो ये तीखे शब्दों के बाण जो तर्कश से निकल रहे हैं यानी अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है आगे आगे देखिए अभी होता है क्या क्या ऐसी तरह की तस्वीर आगे नजर आएगी महाराष्ट्र के इस सियासी वार प्रतिवार को आप किस तरह से देख रहे हैं देखिए पूजा महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग थे और उसके नतीजे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बड़ा दिलचस्प मामला है 48 सीटों में से 30 सीटें ये जो महागठ गठबंधन गड़, है इंडिया ब्लॉक उसने जीतने में कामयाबी पाई और उसके दूसरा उसका दूसरा पहलू ये है कि इस पूरे महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के नतीजों में दो पार्टियों को भयंकर नुकसान हुआ एक शिवसेना को और दूसरी भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के तेईस एमपी थे जो नौ रह गए और उद्धव की शिवसेना जो 2019 का चुनाव अगर आप देखें तो उद्धव ठाकरे के साथ जो 18 एमपी पिछली बार जीते थे अब इस बार नौ सीटें उन्हें मिली हैं यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों को नौ नौ सीटें मिलीं जबकि उद्धव ठाकरे 21 सीटों पर इस बार चुनाव लड़े थे पिछली बार 22 सीटों पर चुनाव और अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से आप देखेंगी तो सबसे खराब इंडिया ब्लॉक का जो प्रदर्शन है वो शिवसेना का रहा लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि जितने एमपी शिवसेना उद्धव ठाकरे को छोड़ के गए थे अगर उस लिहाज से देखेंगी तो उनका परिणाम बेहतर रहा लेकिन जहाँ पर शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट का आमना सामना हुआ उसमें भी आ, शिंदे गुट उद्धव ठाकरे गुट पर भारी पड़ा एक सीट उन्हें ज़्यादा मिली तो और वोटों के लिहाज से भी देखें तो ढाई लाख वोट उद्धव की शिवसेना से शिंदे की शिवसेना को ज़्यादा मिला कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा फायदे में रही स्ट्राइक रेट सबसे खराब शिवसेना का था उसके बाद अगर इधर आप देखें इंडिया एनडीए गठबंधन की तरफ तो उसी तरह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ख़राब रहा दरअसल क्या है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का एक आप प्राकृतिक गठबंधन कह लें दोनों की विचारधारा दोनों का वोट बैंक वो एक प्राकृतिक सा गठबंधन था हिंदुत्व की प्रखर जो ज्वाला महाराष्ट्र की राजनीति में जलाई थी वो बाला साहब ठाकरे ने और बाला साहब की उंगली पकड़ कर कब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने चलना सीखा फिर खड़ा हुआ खड़ी हुई और फिर शिवसेना से बड़ी पार्टी हो गई वैसे भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ जिसकी उंगली पकड़ी वहाँ वहाँ उसने उसको या तो झटका दिया या उससे बड़ी पार्टी उस राज्य में हो गई क्षेत्रीय राजनीतिक दल बीजेपी से समझौता करने के बाद कमजोर ही हुए कोई भी रीजनल पार्टी बीजेपी से समझौते के बाद मजबूत नहीं हुई ये भी एक भारतीय राजनीति का एक सच है तो उद्धव ठाकरे की बेचैनी स्वाभाविक है और वो जो हमले कर रहे हैं वो भी स्वाभाविक है और भारतीय जनता पार्टी उनको जिस तरह से हमले कर रही है वो एक ही वोट बैंक के दोनों पार्टियों के नेता हैं मगर पिछले पाँच सात वर्षों में उद्धव ठाकरे की अगर आप ये कहें कि स्ट्रेंथ के तौर तो पर तो माइनॉरिटी वोट माइनॉरिटी वोटर्स में या माइनॉरिटी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की स्वीकार्यता बढ़ी है ये अपने आप में एक अलग सा आ, ट्रेंड महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जा रहा है दूसरी बात यह कि पहले ये शिवसेना इन तीनों पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती रही थी इसीलिए उसे सबसे ज्यादा सीटें भी मिली 21 सीटें उसे मिली लेकिन अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे अगर लोकसभा के चुनाव परिणामों को आधार मान के टिकटों का बंटवारा हुआ तो इंडिया गठबंधन में बहुत सिर्फ उठोवल होने की संभावना है ठीक उतनी ही जितनी एनडीए गठबंधन में तो अभी एक डेढ़ महीने में महाराष्ट्र की राजनीति में कौन किधर जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी जब सीटों का बंटवारा होगा तो शिंदे के जितने विधायक हैं उससे ज्यादा वो लेना चाहेंगे एनसीपी अजीत गुट के जितने विधायक हैं वो उनसे लेना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस मूड में कतई दिखाई नहीं देती भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ा जाए ताकि पूर्ण बहुमत की सरकार अगर अकेले दम पर भी बन सकती हो तो उसके लिए कोशिश की जाए उद्धव ठाकरे और आज की तारीख में महाराष्ट्र की राजनीति में इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से जमीनी स्तर पर कहीं ज्यादा मजबूत है ठीक है तो जितना इंटरेस्टिंग यहां लोकसभा चुनाव रहा उतना ही इंटरेस्टिंग विधानसभा चुनाव भी रहने वाला है इस ओर इशारा आप कर रहे हैं राजीव सीधे तौर पर तो...